सब्सक्राइब कीजिए माइंड मेकर गुरुजी यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि मिल सके आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। यह बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे साइंस सीरीज में प्रेशर एंड फोर्स के बारे में, दाब और बल के बारे में। इसके कुछ हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। बात करेंगे प्रेशर एंड फोर्स के बारे में, दाब तथा बल के बारे में। मैंने आपको इंग्लिश में नोट्स बनाए हैं, बट मैं हिंदी में डिस्क्राइब भी कर दूंगा। जो लोग हिंदी से बिलोंग करते हैं उनके वो आप डिस्क्राइब जो करूँगा वो समझ लीजिएगा आप। तो पहला इसमें आपका क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर का जो मात्रा क्या आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। आपका नेक्स्ट है इसमें सेकंड, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। जो आपकी रोलिंग फ्रिक्शन को हिंदी में बोलते हैं लोटनी घर्षण, का मान कम होता है आपके स्टैटिक फ्रिक्शन के, स्टैटिक घर्षण से। नेक्स्ट आपका इसमें है थर्ड, द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड प्रेशर आर, जो आपका स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यू होती है 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका फोर, इसमें द हाइट ऑफ मरकरी ऑफ प्रेशर मीटर ऑन द सी लेवल, जो आपके मरकरी के प्रेशर मीटर का जो हाइट होता है समुद्रीय तल पे कितना होता है, 76 सेंटीमीटर। इसको लर्न कर लीजिएगा, पूछे जाते हैं आपके। इसमें चार ऑप्शंस आपके आएंगे जिसमें से आपको करेक्ट चूज करने रहेंगे। मैंने आपको चार ऑप्शन ना दे के डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, तो आप उसको लर्न कर लीजिएगा, अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा इसको। फिफ्थ है आपके डेंसिटी ऑफ मरकरी आर, आपका डेंसिटी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं घनत्व, घनत्व मरकरी का कितना होता है, 13.6 × 10³ kg पर मीटर क्यूब। सिक्स है आपका द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशंस ऑफ हाइड्रोलिक प्रोसेस इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ, जो आपका हाइड्रोलिक सिद्धांत है वो किस पे बेस्ड है, तो आपका पास्कल्स लॉ पे हाइड्रोलिक प्रोसेस बेस्ड है। सेवन है आपका बैरोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स, जो बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है आपका वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए यूज होता है। एट है आपका फ्रिक्शन इज, फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय, आपका घर्षण कैसे बढ़ता है, तो मेकिंग द सरफेस रफ, अगर आप सरफेस को रफ बनाते हैं, खुरदुरा बनाते हैं, तो आपका घर्षण ऑटोमेटिक फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है आपका नाइन, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड थ्रू अ होल इन द टॉप ऑफ अ क्लोज्ड ट्यूब कंटेनिंग वाटर, द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड ऑल डायरेक्शंस। इसको अगर हम लोग हिंदी में बोले तो किसी जल से भरे बंद नलिका के ऊपर की छिद्र से जब दाब डालते हैं, तो अगर हम प्रेशर डालते हैं तो वो प्रेशर जो ट्रांसमिट होगा किधर ट्रांसमिट होगा, तो ये सारे डायरेक्शंस में होगा। आपके ऑप्शंस अलग अलग दिए जाएंगे, तो उसको आप चूको चूज करने रहेंगे। टेन है आपका इसमें, वाटर बॉयल इनसाइड अ प्रेशर कुकर एट अ टेम्परेचर, जो आपका वाटर बॉयल किया जाता है प्रेशर कुकर पे, टेम्परेचर उसका क्या रहता है आपके, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, लेस देन 100 कम रहता है। नेक्स्ट है आपका, नोज ब्लीडिंग में अकर एट हाई एल्टीट्यूड बिकॉज, नोज ब्लीडिंग मतलब नाक से जो खून आने लगता है अगर आप ऊंचाई पे बहुत पहुंच जाएं, तो उसका क्या रीजन होता है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज, आपका जो वायुमंडलीय दाब होता है वो बहुत कम हो जाता है, इस कारण से आपके नोज से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। इसमें बहुत सारे तरह तरह के ऑप्शन आएंगे कि ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, तो ये भी एक सही है, बट नोज ब्लीडिंग के लिए ये आपके लिए वो कारक नहीं है, कारण नहीं है कि आपका, यही मेन इंपॉर्टेंट है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ये हो गया आपके 11 क्वेश्चन। 1 एटमॉस्फेयर क्या होता है, ये एक प्रकार की आपकी प्रेशर की यूनिट होती है, दाब की यूनिट होती है 1 एटमॉस्फेरिक बराबर, इससे पहले हम लोग देखे थे। तो 13 आपका इसमें, प्रेशर अप्लाइड टू इनक्लोज्ड फ्लूड, प्रेशर अगर दाब अप्लाइड किया जाता है इनक्लोज्ड मतलब एक बंद पात्र में, तो क्या होता है, ट्रांसमिट एक्सचेंज टू एवरी पोर्शन ऑफ फ्लूड एंड वॉल्स ऑफ कंटेनिंग वेसल्स, आपकी चारों दिशाओं में वो बंद पात्र के चारों दिशाओं में वो आपका लगाएगा, वो फोर्स मतलब प्रेशर लगाएगा कह सकते हैं। 14 आपका इसमें, सिलेंड्रिकल वेसल इज फिलेड विथ अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो अप टू अ हाइट एच, अगर डेंसिटी रो है और हाइट एच है, इफ द बीकर इज एट रेस्ट
और बीकर जो है रेस्ट में रखा हुआ है, मतलब कह सकते हैं कि हिंदी में उसको हम लोग अगर इसको डिफाइन करेंगे, रेस्ट मतलब स्थित है कह सकते हैं, मतलब कुछ हिल डुल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, रेस्ट में है, यूनिफॉर्म में है। तो देन द प्रेशर एट द बॉटम इज, अगर उसके बॉटम पे प्रेशर क्या लगेगा, एच रो जी, पी बराबर एच रो जी, एक फॉर्मूला भी होता है, तो आपका यही प्रेशर लगेगा उसकी तली पे, बॉटम पे। 15 आपका है, अ ब्लॉक ऑफ आइस इज फ्लोटिंग ऑन वाटर कंटेंड इन अ बीकर व्हेन ऑल द आइस मेल्ट द लेवल ऑफ वाटर। अगर एक बीकर रखा हुआ है, पात्र रखा हुआ है, उसमें आइस का टुकड़ा वाटर पे फ्लोट कर रहा है, मतलब तैर रहा है, वाटर है उसमें और आइस का टुकड़ा क्यूब डाला गया है, तो आपका वो तैर रहा है आइस। तो ये बोला जा रहा है कि अगर सारा जो आइस होगा मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, तो वाटर का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा कि घटेगा कि रिमेन अनचेंज रहेगा कि क्या होगा, ऐसे ऑप्शन पूछे जाते हैं। तो आपका रिमेन अनचेंज रहेगा, क्यों रहेगा, इसका भी रीजन ये है कि जब आप आइस का टुकड़ा उसको डालेंगे, तो जो भी आपका जो वैल्यूम वो कंटेंट करेगा, जितना वैल्यूम कंटेंट करेगा उतने ही आपका वाटर पिघलने के बाद वो लेवल होगा, तो आपका रिमेन अनचेंज ही रहेगा। इसमें बहुत सारे आपके जो भी रहते हैं लगाकर आते हैं कि इंक्रीज करेगा वाटर का लेवल, तो बट ये आपका ऑप्शन सही नहीं रहेगा, रिमेन अनचेंज, चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होंगी। 16 है आपका, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मात्रक ये होता है, तो प्रेशर आपका फिजिकल क्वांटिटी है। नेक्स्ट आपका 17 है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है, तो आपका बैरोमीटर के द्वारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापा जाता है, मेजर किया जाता है। नेक्स्ट आपका है, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मे और मे नॉट बी एक्सटर्नल बैलेंस्ड। एक्सटर्नल जो फोर्स आपका लगाया जाता है वहाँ बल, उसको किसी ऑब्जेक्ट पे तो क्या होता है, मे और मे नॉट बी बैलेंस, उसको बैलेंस किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। 19 आपका है, इसमें फोर्स कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फोर्स को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से, एफ बराबर एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशंस, हिंदी में उसको बोलेंगे द्रव्यमान इंटू त्वरण, फोर्स बराबर मतलब बल बराबर। 20 आपके इसमें, अ बॉडी एक्ट्स अपॉन अ कॉन्स्टेंट फोर्स एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ वो कॉन्स्टेंट फोर्स। 21 है, फॉर्मेशंस ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर एंड मरकरी आर ड्यू टू फिनोमिनन ऑफ, ये किस प्रकार के फिनोमिनन है, तो आपका सरफेस टेंशन से है, जैसे आप बारिश की जो बूंद होती है वो किसके द्वारा, ड्रॉपलेट आपका उसी साइज में सारा बनता है, तो वो सरफेस टेंशन के कारण बनता है, उसके सरफेस टेंशन के कारण। नेक्स्ट आपका है 22, इसमें फोर्स एक्ट्स ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। आपका जो फोर्स होता है पर यूनिट एरिया को प्रेशर बोलते हैं, दाब बराबर बल अपॉन क्षेत्रफल होता है हिंदी में, तो उससे ये डिफिनेशन निकलता है फोर्स का। नेक्स्ट आपका 23 है, इसमें आपको सरफेस टेंशन को हिंदी में पृष्ठ तनाव बोलते हैं, याद नहीं आ रहा था उस समय, तो ये 23 आपका, वर्क डन बाय यूनिट इलेक्ट्रिक चार्जेज, वर्क डन बाय यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं इसको, ठीक है, ये आप हिंदी में इसको हम लोग अगर बोले हैं तो विद्युत विभव बोलते हैं पोटेंशियल को। ये हो गया आपके 23। फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एरिया ऑफ 2 मीटर स्क्वायर, देन प्रेशर इज, प्रेशर का फॉर्मूला होता है पी बराबर एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ से फोर्स 10 न्यूटन है और एरिया 2 है, तो 2 से 10 को डिवाइड कर देंगे तो 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट याद रखिएगा तो आपको क्वेश्चन बहुत जल्दी से सॉल्व होगा। 25 पे आपके 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन, ये आपके एक प्रकार का यूनिट, 1 न्यूटन इज इक्वल टू इतने डाइन के बराबर होता है, ये लर्न कर लीजिए, आपके पूछे जा सकते हैं। 26 से आपका, इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस बिकॉज, हम लोगों को डिफिकल्ट होता है वॉक मतलब टहलना अगर आइस पे, क्यों, क्योंकि कि फ्रिक्शन इज लो, उससे फ्रिक्शन जो होता है लो होता है, तो इसलिए हम लोग उस पे चलना या टहलना कठिन होता है, क्योंकि कि उसमें खुरदर्रा नहीं रहता, तो उसके कारण फ्रिक्शन उस पर आपका कम लगता है। 27 है आपका, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू, वेट जो होता है किसी ऑब्जेक्ट का किस कारण से होता है, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से उसका वेट होता है। नेक्स्ट आपका इसमें है, द डेप्थ ऑफ डैम इज 240 मीटर, व्हाट इज द वाटर प्रेशर कंटेन ऑफ डैम, जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड दिया है इसमें,
और डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 केजी पर मीटर क्यूब दिया है। तो फार्मूला था क्यू बराबर रो जी एच, तो उसे सॉल्व करेंगे तो 2.4 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द मैक्सिमम प्रेशर ऑफ वाटर फिल बॉटल इज, मैक्सिमम प्रेशर वाटर के अगर जो बॉटल है उसमें कहाँ पे लगेगा आपका, तो बॉटम ऑफ कंटेंट्स, जो उसकी तली पे पेंदी पे सबसे आपका मैक्सिमम प्रेशर लगता है उसकी पेंदी में नीचे सतह पे। 30 आपका है और लास्ट क्वेश्चन है ये, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट थ्रू 20 सेंटीमीटर एंड डज द वर्क ऑफ 1 जूल, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के एंगल क्या बना है, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। फार्मूला होता है वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी कॉस थीटा। तो डब्ल्यू आपका 1 जूल दिया है, एफ आपका 10 दिया है, और डी जिसको डिस्टेंस बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, आपका 20 सेंटीमीटर दिया है। तो ये सारा न्यूटन में है, तो उसको मीटर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 आएगा, और कॉस थीटा निकालना है। तो यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, और 1/2 कॉस थीटा की 60 की वैल्यू होती है, तो ये 60 डिग्री आएगा। ऐसे आपके क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शन दे रहेंगे, उसमें 0 डिग्री, 30, 90, 60 ऐसे रहेंगे, तो आपको निकाल के सॉल्व करके उसको टिक करने रहेंगे। तो ये हो गए आपके टोटल 30 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपके नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। मैं आगे भी आपको इसी तरह का वीडियो देता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।